गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आप लोग का मेरे चैनल पर स्वागत है। और अभी यहाँ पर जो जितने भी गमले थे तो उसको मैंने इस तरफ रख दिया है, और यहाँ पर पूरा मैं सर्फ़ डाल के अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। और सभी गमलों को मैंने इस तरफ इसलिए रखा है क्योंकि अभी यहाँ पर पानी डालने के लिए जो हमारे रेंट पे रहते हैं उनको थोड़ा ईजी हो जाएगा, क्योंकि गमले जब मैंने इस तरफ रखे थे तो चारों तरफ रखे हुए थे, तो मेरे को लगा कि उनको थोड़ा वो ना हो, दिक्कत ना हो, तो मैंने सिर्फ यहाँ पर दो जैसे ही मैं उठती हूँ, अभी ये सो रहा था जैसे मैं उठी ना बस में मैं जब, और अभी बज रहे हैं 10:30। और जैसे कि मैंने तो खाना खा लिया था, पनीर की सब्ज़ी और रोटी। तो आज आ रहे हैं वर्षा लोग, उनका ऑर्डर था कि चिकन और भात बनाने का, तो अभी मैं अब जा रही हूँ बनाने, क्योंकि वो लोग 11:30-12 बजे तक पहुँचेंगे। तो मैंने लेके तो रख दिया था चिकन, तो अभी मैं जा रही हूँ बनाने के लिए। और देखिए टाइमिंग क्या हो रहा है, अभी टाइमिंग हो रहा है 10:30 बज रहे हैं। तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया था कि हम रास्ते में खा के आएंगे, फिर उनका कॉल आया कि नहीं मम्मी बना देना, तो मैंने वैसे शुक्र मैंने चिकन लेके रख दिया था। तो अभी मैं जा रही हूँ बनाने, घर में आके गर्म गर्म मिलेगा, तभी मैं फिर थोड़ा लेट बना रही थी। तो अभी 10:30 हो गए, तो अभी आधा घंटा में बन जाएगा, वो लोग भी 11:30-12 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। अभी यहाँ पे भात बना रही हूँ, यहाँ पर चिकन बन रहा है। तो उन लोगों का कॉल आ गया था कि हम पहुँचने वाले हैं, तो अभी देखते हैं बाहर। और देखो इसको जल्दी हो रहा है, वाह बाहर ना जीते। अभी मेरे दिमाग में एक आ रहा है कि मैं प्रैंक करती हूँ, पर क्या करूँ कभी प्रैंक उल्टा ना पड़ जाए। तो अभी मैं सोच रही हूँ प्रैंक करती हूँ, वो कहाँ गया, ये प्रैंक करते हैं कुछ, देखते हैं। तो अभी वो कैमरे फिट करूँ, तब तक आ जाए। तो मैं यहाँ पर कैमरा फिट करके काफ़ी देर से बैठ रही थी, और पाँव भी दर्द हो गया था, गर्दन भी दर्द हो गया था, तो वो लोग पहुँचे नहीं थे। तो मेरे को बाद में याद आया कि गेट तो कुंडी लगा हुआ, मैं फिर फटाफट भाग के गई, और भाग के जाके मैंने फिर वो गेट खोला, और गेट भी मैंने, तब तक वो लोग आ चुके थे रास्ते में, तो गाड़ी रुकी भी आवाज़ आ गई थी, तो मैं फटाफट गेट का कुंडी खोल के फिर मैं दोबारा से फिर वहीं पे बैठ गई थी कि मैं चलो अब इन दोनों को डराने दूंगी, और देखती हूँ कैमरे में कितना कैप्चर होता है। तो आप लोग भी देखिए, कैसे हो? डरे नहीं थोड़ा बहुत ही? डरे डरी भाई, मैं तो डरी थी, मेरा तो फिर भी नहीं डरी। और मेरा तो चली गई सीधा। और कैसा रहा? सांस तो था मस्त, सांस फूल गया कितना एनर्जी है भाई क्या थोड़ा डरती तो सही था, कैमरा फिट करके बैठी थी। हाँ बोला, मेरे को कुछ डरा किया मेरे को, तुझे पता ही नहीं चला? पता नहीं, तो लियो को देख के सीधा आगे, मैं कितनी देर से वहाँ बैठी हूँ पता है, तुम लोगों को डराने दूंगी। तो देख रही थी ये आंख बंद कर रहा है मार लियो, मार इसको, भागने की कोशिश करता है अभी ये। ऐसे सर तो भागने देते कस वक्त, एक बार भागने देते कस वक्त। चल चल, मेरा तो गैस बंद कर रहा। तो फाइनली हम खाना यहाँ पर रेडी हो गया है। रात के कितने बज रहे? रात के एक बज रहे हैं, और अभी
मेरे देर तक मुझे बहुत गप्पे की। वो भी अपनी बात बोलो। चुप। तो अभी हम लोग खाना खा रहे हैं एंड आप लोग सोचोगे फिर बिस्तर में बैठ के खा रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग काफी टाइम बाद मिल रहे हैं ना, तो हमने सोचा बिस्तर में बैठ के अच्छे से बातें साते करते खाते रहे। ये बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि क्यों खा रहे हैं बिस्तर में, क्यों खा रहे हैं, ऐसा खाना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए। आई नो कि बैड हैबिट है बट ठीक है, हम खा रहे हैं एंड बहुत मिस किया था मैंने मम्मी के हाथ का खाना, मतलब घर का खाना। हम तो घर का खाना खा ही नहीं रहे थे, दिल्ली पहुँच के भी हमने ऑर्डर ही किया था बट अभी हम लोग घर का खाना है ना बहुत टेस्टी है। दिखने में देखो क्या टेस्टी लग रहा है यार। खाने से पहले मेरा ना मन इतना नहीं था, ऐसा लग रहा था पेट भरा भरा से क्योंकि बीच में केएफसी का। खा के बताओ ना कैसा है अब। अरे इतना बोलती है ये लड़की। नहीं बताने क्या है, टेस्टी है। मुझे बताया मम्मी के हाथ का मुझे चिकन बहुत पसंद है क्योंकि सिंपल एंड मस्त बनाते हैं। अभी खा के बता देते। अभी टेस्टी नहीं होगा फिर भी स्वाद बताना पड़ेगा। नहीं अच्छा है। इतना बोल दिया है। इतना बोलने के बाद गंदे कमेंट मत दिया करो वैसे देते हैं। जो चलो नहीं जो सिखाने की कोशिश करते ना ये सब चीजें वो लोग खुद कर रहे होते तब हमको सिखाते हैं। ये बात तो है। सरप्राइज। शॉर्ट हेयर करवा लिया, कितना हल्का मेरा फील हो रहा है। रिलीफ। शॉक खत्म हो गया। शॉक खत्म नहीं है, गर्मी स्टार्ट हो गई ना इसलिए मैंने हटा दिया। अभी मैंने रखा है उसको, उसको हम कभी भी यूज कर सकते हैं, तो मैं उसको सर्दियों में लगाऊंगी अभी। हाँ फिर सर्दी में लगाना। चलो मुंह भी थोड़ा बड़ा बड़ा लग रहा है। ठुल ठुल लाए थे कि मुंह पे पतला बाल पड़ रहा होगा। पतला बाल हो के होगा। हाँ मोटी लग रही हूँ मैं। हाँ नेल्स भी कर पाए। आईब्रो बनाए। आईब्रो भी बनाया। ओके सब कुछ करवाया, क्लीन करवा दी। चलो ठीक है।